यंग एजेस में, जैसे 30 अर्ली 30s में 40s में, इतनी यंग एज में हार्ट अटैक्स इतने क्यों आ रहे हैं? देखिए अब क्या हो रहा है कि ये तो मतलब आप आए दिन देख रहे हैं, राजू श्रीवास्तव हो या दूसरा वो जो था कॉमेडियन जो इसमें आता था सीरियल्स में, जी जी, ये तो आप देख रहे हैं बिकॉज दे आर वेल नोन पीपल, बट हम तो हॉस्पिटल में डेली ये स्टोरी देखते हैं। हम खुद हैरान हैं कि इतने यंग एज में क्यों आ रहे हैं। देखिए एक चीज ये हो रहा है कि डायबिटीज हाइपरटेंशन जैसा आप जानते हैं रैम्पेंट है, बार बार ये बोला जा रहा है कि स्ट्रेस ऑफ योर वर्क प्लेस, एक्सेसिव पोल्यूशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब चीजें। बट मैं यहाँ आपको दो तीन चीजें एम्फसाइज करना चाहता हूँ अगर हम रियली इस पे कुछ वर्थ वाइल डिस्कशन करना चाहें। पहला ये है कि पहले हम कहते थे भाई 40-45 की एज के बाद आप हेल्थ चेकअप करवाइए, नाउ लेट्स चेंज ऑल दैट, लेट्स गो टू द स्कूल लेवल। और जैसे 12th क्लास में बच्चा आता है, 12th क्लास या अराउंड द एज ऑफ 20 इयर्स, हमको एक कंप्लीट प्रोफाइल करना चाहिए विच इंक्लूड्स डायबिटीज हाइपरटेंशन वगैरह वगैरह सब कुछ, और एक ना कार्डियोलॉजी चेकअप भी करवा देना चाहिए। सो दैट बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो कि अनडिटेक्टेड जाती हैं, और मोस्टली आप जो देख रहे हैं कि जिम में कोई आदमी क्रैश कर रहा है या कुछ कर रहा है, दैट्स बिकॉज़ देयर आर नॉट डॉक्टर्स इन जिम। वन इज जो कि एक रूटीन एक्सरसाइज होती है विच आई कॉल्ड इट ए नॉन स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, लेकिन अगर आप मसल बिल्डिंग के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं या आपके वो छोड़ दीजिए, अगर आपके ऑफिस जगह पे ही इतना स्ट्रेस है, सपोज आपका बॉस है जो बहुत टेढ़ा आदमी है, आपको बहुत सारा वर्क देता है विच यू कैन नॉट हैंडल, एंड एवरी डे मेंटल स्ट्रेस इज मोर बैड देन फिजिकल स्ट्रेस। अल्टीमेटली फिजिकल स्ट्रेस होता है मेंटल से, एड्रेनलिन वहीं से सीक्रेट होता है और वो कैन कॉज हैवॉक इन द बॉडी, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। दूसरी चीज ये है कि डायबिटीज हो हाइपरटेंशन, टेक इट वेरी सीरियसली। लोग बात क्या करते हैं, एक गोली ले लेते हैं, अभी मेरा प्रेशर कंट्रोल में है, एंड अवॉइड टेकिंग मेडिसिंस। हाई ब्लड प्रेशर इज मोर डेंजरस, मेडिसिंस वोंट किल यू, हाई ब्लड प्रेशर विल। और इसके बाद एक और चीज है ओबेसिटी, ऑब्वियसली फैमिली हिस्ट्री अगर है आपको, मैं जिस पे स्ट्रेस करना चाहता हूँ दूसरा वो है स्मोकिंग। एक चीज याद रखिए, अगर आप एक पैकेट सिगरेट स्मोक कर रहे हो आपका हार्ट अटैक का चांस डबल होगा as compared to a normal person.